तो इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि अनुराग डोबल सना खान से बात कर रहे हैं और वहां पर अनुराग डोबल बताते हैं कि पिछले वीकेंड के वार पर सलमान खान ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे फैन बेस का मजाक उड़ाया। तो इस क्लिप में सना खान और अनुराग डोबल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वहीं पर अनुराग डोबल बोलते हैं, पता है एक तरफ से शुरू नहीं हुआ था ना, लास्ट वीकेंड के वार पर वो चीज मजाक में ही बोली गई थी, पर मुझे हर्ट हुआ था तो मेरे लोगों को तो डेफिनेटली हर्ट हुआ, तूने मेरी कंडीशन देखी थी ना। सना बोलती है, मजाक में क्या बोल दिया था, कौन सी चीज से तेरे को हर्ट हुआ था मुझे बता। तो अनुराग बोलते हैं, चार पांच स्टेटमेंट थे विच वेयर मेड यू नो, सलमान खान पिछले वीकेंड के वार पर अनुराग से बोले थे कि कितने फैन बेस है तुम्हारे, तो अनुराग ने जवाब दिया 7 मिलियन। तो सलमान खान ने ही हंसते हुए बोला कि ऑर्गेनिकली तो 7,000 भी नहीं बचे होंगे। उसके बाद अनुराग सना को बोलते हैं, मैंने जितने कमाए हैं वो सारे ऑर्गेनिकली है, मैंने लोग कमाए हैं, मैंने एक एक बंदा कमाया जो बाहर खड़ा है मेरे लिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जैसा कि अनुराग डोबल बता रहे कि पिछले वीकेंड के वार पर सलमान खान ने एक बार और उनका मजाक उड़ाया था, जहां पर उन्होंने उनके फैन बेस पूछे और जब अनुराग ने उन्हें बताया, सलमान खान ने सीधा बोल दिया कि तुम्हारे तो 7,000 भी नहीं बचे होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्लिप है पिछले वीकेंड के वार का, जहां पर सलमान खान अनुराग डोबल का मजाक उड़ा रही, ये क्लिप कहीं अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि वीकेंड के वार पर जब ये चीज हुआ तो बिग बॉस वालों को ये चीज दिखाना नहीं चाहिए था। उन्होंने लिख रखा है कि फुल ट्रांसपेरेंसी है, 24 आवर लाइव रहता है, हर चीज पब्लिक के सामने होती है, तो फिर आखिर उन्होंने ये वाला वीडियो क्लिप कट क्यों किया। इससे ये पता चलता है कि बिग बॉस वाले एकदम बायस्ड है और सिर्फ वही क्लिप दिखाते जो उनको दिखाना हो। तो इसी चीज को लेकर पब्लिक का क्या कहना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बंदे ने बोला, अनुराग नाउ नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक एंड ब्रिंग समथिंग न्यू, इट्स गेटिंग वे टू बोरिंग टू सी हिम नैगिंग ऑल द टाइम अबाउट द सेम थिंग, यानी कि हमेशा ब्रोसेना करते रहना आपको ज्यादा ही बोरिंग हो रहा है। एक बंदे ने यूके जुरेशन राइडर को बोला, ये बंदा सही है, किसी के बाप से नहीं डरता, फालतू का शो फ्लॉप। वही एक बंदे ने लिखा, अनुराग इज जेन्युइन, सलमान लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी ऑफ अनबायस्ड होस्ट, ही इज नाउ एक्ट लाइक इमेज क्लीनर एंड लॉन्चिंग बॉलीवुड लॉस्ट पर्सनालिटी, मतलब कि सलमान खान पहले एक अनबायस्ड होस्ट हुआ करते थे एक टाइम पर अब वो ऐसे नहीं रह गए, अब वो बिल्कुल बायस्ड हो गए हैं। तो अब वो क्या करते, तो अब वो उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनका इमेज बॉलीवुड में गंदा हो चुका है या फिर जिन्होंने अपना पर्सनालिटी खो दिया, जिनको मूवीज नहीं मिल रही, उनको लॉन्च करने का काम करते हैं बिग बॉस के थ्रू, यही काम बच गया अब सलमान खान का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अब अनुराग जो है वो बिग बॉस के खिलाफ में जा रहा है और ये उसके करियर के लिए बहुत ही गलत पॉइंट है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलमान के खिलाफ जाना, बिग बॉस के खिलाफ जाना उसके करियर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी पर एक बंदे ने लिखा, अनुराग को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, कि सलमान की जी हुजूरी करने की जरूरत है उसको और शो में जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों को तो क्लियरली दिखता है। तो ये थे कुछ पब्लिक के ओपिनियन, जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि अनुराग डोबल के साथ गलत हो रहा, उनकी सारी क्लिप्स को नहीं दिखाया जाता है और बिग बॉस बिल्कुल बायस्ड होता जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे अपडेटेड रहने के लिए खबरी मैन को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।